जय जिनेंद्र, मैं विनीता जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। परम पूज्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के पौत्र शिष्य श्री सिद्धम मुनि जी महाराज ठाणे एक चातुर्मा सेतु डंडी स्वामी ग्रीन पार्क विराजमान थे, जहाँ से वह विहार करके साउथ सिटी गार्डन विला जैन भक्तों के घर पधारे। वहाँ से महाराज जैन भक्तों के अनुरोध पर SS जैन सभा किचलू नगर विराजमान थे, जहाँ से आज वह लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित कोठारी रिजॉर्ट रुके और वहाँ से मुल्लापुर की ओर विहार कर गए। परम पूज्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के पौत्र शिष्य श्री सिद्धम मुनि जी महाराज ठाणे एक चातुर्मा सेतु डंडी स्वामी ग्रीन पार्क विराजमान थे, जहाँ से वह विहार करके साउथ सिटी गार्डन विला जैन भक्तों के घर पधारे। वहाँ से महाराज जैन भक्तों के अनुरोध पर SS जैन सभा किचलू नगर विराजमान थे, जहाँ से आज वह दीपक जैन के अनुरोध पर कोठारी रिजॉर्ट रुके और वहाँ से लुधियाना फिरोजपुर रोड स्थित मुल्लापुर की ओर विहार कर गए। महाराज मुल्लापुर में 2-3 दिन रुककर फिर लुधियाना वापस आने का भाव रखते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सब साहुनम, एसो पंच नमक्कारो सब पाव पनासन मंगला नंच सव्य सिंह परमंग हवई मंगलम चैता भारंग वासं चकवटी महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गए मनुतिरम धम्मो मंगल मुखितं अहिंसा संजमो तवो देवा वीतं नमं संति जस्त धम्मे स्यामनो ओम हरिं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम हरिं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम हरिं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम हरिं श्री सिमंदर स्वामी परमात्माने नमः। श्री चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतं धम्मो मंगलम, चित्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहु लघुतमा, केवली पुनतं धम्मो लघुतमा, चित्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पुनतं धम्मो शरणं पवज्जामि, अरिहंतों जी का शरणा, सिद्धों जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रोपित दया धर्म का शरणा, चार शरणे सुख करने मंगल करने और न शरणा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अक्षय अमर पद। मेरा नाम दिनेश शर्मा, महाप्रबंधक कोठारी रिजॉर्ट लुधियाना। महाराज जी ने 2 दिन जहाँ पे प्रवास किया है, हमने उनके प्रवचनों का शुभ लाभ लिया है। जब भी इस धर्म के महाराज कभी भी यहाँ से जाते हैं, हमारे सविनय निवेदन पे यहाँ पे प्रवास करते हैं। इनके आशीर्वाद से हमारे सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। इनका आशीर्वाद हम पे बना रहता है। और 2 दिन इन्होंने कोठारी रिजॉर्ट में प्रवास किया, हमने इनके सानिध्य का लाभ उठाया और इनका आशीर्वाद हमेशा हम सब पे बना रहे। गुरुदेवों के आशीर्वाद से मोतीराम जैन समाधि से चतुर्मास का विहार करके कृष्णा मंदिर विहार करके वहाँ से डंडी स्वामी ग्रीन पार्क 28 नंबर कोठी में, फिर वहाँ से विहार करके आगे को साउथ सिटी अमित जैन की कोठी में और वहाँ से अमित जैन की कोठी से विहार करके किचलू नगर जैन स्थानक और आज किचलू नगर जैन स्थानक से विहार करके हमारा कुठारी में आना हुआ और कुठारी में श्री दीपक जैन की सत प्रेरणा से हमारा यहाँ पे 2 दिन रुकना हुआ और 2 दिन के प्रवास के बाद आज हम यहाँ से बिहार करके मुल्लापुर की तरफ आगे जाने का हमारा विचार है। मुल्लापुर जाने के 2 दिन हमारा वहाँ पे रुकने का विचार है और वहाँ पे महासाध्वी परम ज्योति श्री शिका जी महाराज साहब के दर्शनों का हमारा परम भाव से उनका हमारा परम स्नेह है और उनके दर्शनों का लाभ लेंगे। उसके बाद 2-4 दिनों के बाद हमारा वापिस लुधियाना की तरफ पहुंचने का हमारा विचार है। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ भूपेंद्र शान की रिपोर्ट।
केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा प्रायोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आज लुधियाना के देवकी देवी जैन मेमोरियल कॉलेज फॉर वुमेन किदवई नगर में किया गया। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी पर आधारित दो दिवसीय सेमिनार के इस आयोजन में पूरे देश से शिक्षकों, साहित्यकारों और आलोचकों ने भाग लिया। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा प्रायोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आज लुधियाना के देवकी देवी जैन मेमोरियल कॉलेज फॉर वुमेन किदवई नगर में किया गया। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी पर आधारित दो दिवसीय सेमिनार के इस आयोजन में पूरे देश से शिक्षकों, साहित्यकारों और आलोचकों ने भाग लिया। मैं सेनेट और सिंडिकेट का मेंबर हूं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए आया हूं। तो आज का बहुत बढ़िया विषय इन्होंने रखा है और मैं सबसे पहले इनको बधाई देता हूं। पहली बार दो दिवसीय सेमिनार इस कॉलेज में हो रहा है जिसका सारा श्रेय इस कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम पहल को जाता है और ये बहुत ही सार्थक टॉपिक है। इससे बहुत कुछ सीखने को विद्यार्थियों को, अध्यापकों को मिलेगा, इसलिए मैं एक बार फिर से इनको बधाई देता हूँ। देवी जैन मेमोरियल कॉलेज में दो दिवसीय हिंदी सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रमोद शर्मा रीजनल डायरेक्टर केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली से आए हुए हैं। इसके अलावा और बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद पूरे देश भर से और साहित्यकार आलोचक आए हुए हैं। अब मेरा ये मानना है कि जो टॉपिक हमने लिया है उससे समाज में ज़रूर जागृति आएगी और हिंदी जो राजभाषा है उसका सम्मान बहुत होना चाहिए और इस सम्मान के लिए ही हमने इस सेमिनार को आयोजित किया है। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब में सिखों के नौवे गुरु गुरु हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहादत दिवस बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब सिखों के नौवे गुरु हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहादत दिवस बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्री कृपाल सिंह बंडूगर ने गुरु साहिबान के जीवन पर कुछ रोशनी डाली। इस अवसर पर श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के उपरांत रागी साहिबान द्वारा इलाही गुरबाणी व शब्द कीर्तन से संगतों को आनंदित किया गया और अरदास के बाद गुरु का लंगर अटूट बांटा गया। ये बड़ा बड़ा संदेश है कि जे किसी ने धर्म नू बचाना है तो फिर शहीदी भी दिती जा सकती है और देनी चाहिए। पटियाला से बलिंद्री बिन्नी की रिपोर्ट। जहां पूरे देश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए चाइल्ड सेफ्टी एक्ट बनाया गया है, इस एक्ट के चलते आज रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, चाइल्ड केयर और शिक्षा विभाग के ज्वाइंट ऑपरेशन ने जिला फिरोजपुर के नामी स्कूलों में वाहनों की चेकिंग के लिए दबिश दी, जिसके चलते 10 वाहनों को थाने में बंद किया और 5 वाहनों के चालान काटे। आज जिला फिरोजपुर में चाइल्ड सेफ्टी एक्ट के चलते रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, चाइल्ड केयर और शिक्षा विभाग के ज्वाइंट ऑपरेशन ने नामी स्कूलों के वाहन की चेकिंग की गई, जिसमें DC मॉडल स्कूल, माता गुजरी स्कूल और अकाल एकेडमी स्कूलों के वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई भी पुख्ते प्रबंध नहीं थे, ना ही CCTV कैमरे, फर्स्ट एड किट, आग बुझाव यंत्र और बच्चों की सुरक्षा गार्ड ना होने की कमियों को लेकर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने चालान काटे। इस अवसर पर RTA बलविंदर सिंह रंधावा ने बताया कि आज जिला ट्रांसपोर्ट विभाग, चाइल्ड केयर और शिक्षा विभाग की टीमों की ओर से चाइल्ड सेफ्टी एक्ट के चलते बच्चों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए चेकिंग की जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में कोताही पाने वाले वाहनों को छोड़ा नहीं जाएगा। बाल सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि ना तो स्कूल वाहनों में CCTV कैमरे लगे हैं और ना फर्स्ट एड है और ना आग बुझाने वाले यंत्र हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल वालों से अभी तक 30 से ऊपर एफिडेविट आ चुके हैं, जिन वाहनों में ये सुविधा नहीं है कुछ को बंद किया गया है और कुछ के चालान काटे गए हैं। पहला सब तो SD मॉडल स्कूल फिरोजपुर कैंट चेकिंग की गई, उस तो बाद च माता गुजरी जीरा रोड, हूँ असं अकाल अकैडमी खड़े हैं तो सेफ स्कूल वाहन स्कीम के तहत बच्चों सेफली स्कूल लैके आन लैके जाने लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो असं चैकिंग कर रहे हैं अज और स्पैशल चैकिंग कर रहे हैं। साड़िया वैसे टीम्स जड़िया है जिला पद्धर से बनिया ने, यह रेगूलर चैकिंग कर दया रिया ने, पर फिर भी असी ये होर तेजी लिया क्योंकि बच्चे जड़े है समाज के बच्चे है वह साढ़े बच्चे ने, इन्हों असी सारे चाहते हैं कि सेफली आन तो सेफली जा। इस करके ये 3 स्कूल असी हूँ तक चैक किए हैं
ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 5 ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਸੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਐਫੀਡੇਟ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਤੋਂ ਅਭਾਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਟ ਦੇ ਜੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ RTO ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਕੂਲ ਪਾਲਸੀ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਚ ਨਾ ਤਾਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਬ ਵਕਤ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ। जब इंसान अपने चारों तरफ दर्द देखकर बिलख उठता है, तब वह बढ़ता है दर्दियों के आंसू पोंछने। आचार्य आत्मा राम जी के आशीर्वाद और उपाध्याय श्रवण फूलचंद जी महाराज जी की प्रेरणा से सुशील कुमार जी ने 13 अप्रैल 1999 बैसाखी के शुभ दिन 2 डॉक्टरों के साथ एक छोटी डिस्पेंसरी शुरू की थी। हाथों से हाथ मिलते गए, जिससे भर्ती दान राशि और समय के साथ छोटी डिस्पेंसरी ने अस्पताल का रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज 40 डॉक्टर और 110 कर्मचारियों की टीम मरीजों की सेवा में लगी हुई है। अस्पताल में फ्री आंखों का चेकअप, 24 घंटे इमरजेंसी, 24 घंटे एम्बुलेंस, 24 घंटे पैथोलॉजी सहित कम कीमतों पर सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप भी 501-5001 या अपनी इच्छा अनुसार दान राशि देकर गरीब मरीजों की मदद कर सकते हैं। श्री पद्मावती तरुणी मंडल सुंदर नगर द्वारा श्री पद्मावती सदार्मिक उत्सव दिनांक 17 दिसंबर दिन रविवार को लुधियाना के लक्ष्मी पैलेस में सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक मनाया जा रहा है। उत्सव के मुख्य आकर्षण केंद्र टिकट मात्र 30 रुपए, टिकट एडवांस में खरीदने पर एक सरप्राइज गिफ्ट सहित खूबसूरत सभ्याचारक कार्यक्रम और 1 मिनट के खेलों के साथ अन्य कई लक्की गिफ्ट भी होंगे। मुख्य अध्यक्षता एवं गौरवमयी ध्वजारोहण लाभार्थी परिवार श्री रोशन लाल शीलवंती जैन के वंशज श्री प्रेमचंद त्रिशलावंती जैन, मंगलमयी माल्यार्पण लाभार्थी परिवार श्रीमती कमलावती जैन पत्नी लाहौरी राम जैन, पवित्र पावन ज्योति प्रज्वलन लाभार्थी परिवार श्री फग्गुमल श्री कश्मीरी लाल, प्रतिभाशैली पुरस्कार वितरण लाभार्थी परिवार रमेश जैन श्री मेहर चंद। ओमिक्स रॉयल रेजिडेंसी पखोवाल रोड लुधियाना में जल्द बनने जा रहा है ओमिक्स महावीर टावर्स। ओमिक्स महावीर टावर्स जिसमें 2650 स्क्वायर फीट के 4 BHK फ्लैट्स 5 साल के आकर्षक ऑफर के साथ उपलब्ध हैं। ओमेक्स कंपनी की तरफ से जैन कम्युनिटी के लिए 18,000 स्क्वायर फीट जगह में बने जैन स्थानक और जैन कम्युनिटी हॉल दिया जा रहा है। आज ही बुक करवाएं, ऑफर सीमित समय के लिए। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, हौसलों और जज्बों की वो इमारत जिसकी नींव विश्वास पर टिकी है। लुधियाना का बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहां लगे अति आधुनिक इक्विपमेंट्स, देश के बेहतरीन फेमस डॉक्टर्स की टीम पेशेंट्स को स्पेशल हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए कमिटेड है।
अफोर्डेबल प्राइस में एक हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट लुधियाना के लोगों के लिए समर्पित है, जिसके पीछे का मकसद लुधियाना शहर में अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज हर किसी को मिले। डेंटल, आईज, कार्डियोलॉजी, ऑर्थो, गायनी, पीडियाट्रिक, साइकोलॉजी, साइकेट्री, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स हैं और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी, सिटी स्कैन और कई आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर में सभी संभव प्रयास द्वारा पेशेंट्स की देखभाल की जाती है और यही क्वालिटी विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर को जीवन रक्षक का दर्जा दिलाती है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइन्स, लुधियाना। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है, आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। फरीदकोट के गांव किला 9 में शहीद लेफ्टिनेंट करतार सिंह की याद को समर्पित 2 रोजा सालाना कबड्डी मेला लगाया गया। पंजाब और हरियाणा के करीब 200 के करीब नामी कबड्डी टीमों ने भाग लिया। जेतु टीमों को लाखों रुपए के इनाम दिए गए। 1962 की जंग के शहीद लेफ्टिनेंट करतार सिंह की याद में गांव किला 9 के नौजवानों ने मिलकर नगर निवासियों और प्रवासी भारतीयों के सहयोग के साथ 2 रोजा सालाना कबड्डी मेले का आयोजन किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा की करीब 200 के करीब नामी कबड्डी टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके की जानकारी देते हुए प्रबंधक अमन इंदर सिंह वहनीवाल ने बताया कि उनकी तरफ से नगर निवासी और प्रवासी भारतीयों के सहयोग के साथ हर साल 1962 की जंग के शहीद लेफ्टिनेंट करतार सिंह की याद में उनकी शहादत वाले दिन 2 रोजा कबड्डी मेले का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार इस खेल मेलों में 200 के करीब पंजाब और हरियाणा की नामी कबड्डी टीमों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि मेला प्रबंधकों की तरफ से पहले स्थान पर आने वाली टीम को 1.25 लाख रुपए, दूसरे स्थान आने वाली टीम को 1 लाख रुपए, तीसरे स्थान आने वाली टीम को 31,000 रुपए और चौथे स्थान पर आने वाली टीम को 21,000 रुपए के नकद इनाम कर देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने इसी के साथ बताया कि इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेस्ट रेडर और बेस्ट जाफी रहने वाले खिलाड़ियों को मोटरसाइकिल देकर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पहुंचे खिलाड़ी ने कहा कि क्लब प्रबंधों की तरफ से हर साल बढ़िया प्रयास कर नामी टीम को बुलाया जाता है और खेलकर हर एक खिलाड़ी फख्र महसूस करता है। असी शहीद लेफ्टिनेंट करतार सिंह यूथ स्पोर्ट्स क्लब वालों हरेक साल उन्होंने 1965 की जी 22 नवंबर वो शहीद होए सी, उन्होंने 22-23 नवंबर जोड़ा उन्होंने याद कबड्डी टूरनामेंट करवाने हैं, जिदे सू प्रवासी भारती और समुचा नगर आ वो बहुत सहयोग दिता और अंतरराष्ट्रीय प्लेयर आ जोड़े अच्छ बहुत वही गिनती पिंड किला 9 विखे पहुंचे आ। तकरीबन 225 के करीब जी टीम आज पंजाब के कोने कोने तो और हरियाणे दियाँ भी 25-30 के करीब टीम जो पहुंची हुई असी फर्स्ट प्राइज 1.25 लाख रुपया जी, सैकेंड 1 लाख रुपया, थर्ड 31,000 और चौथा 21,000 और बेस्ट रेडर और जाफी नू जिहड़ा मोटरसाइकिल देना। टूरनामेंट जी बहुत वधिया लगता जदों मतलब सारे कमेटी वाले आपां नू प्यार नाल कहिंदे आ सादे आ ते सानू बहुत वधिया लगता, खुशी महसूस हुंदी आ जी, मतलब बहुत वधिया सहयोग मतलब दे रहे प्लेयरां नू इह ते टूरनामेंट करा के लोगों का भी मनोरंजन हुंदा प्लेयरां नू भी वधिया जी ते बहुत ज़्यादा जिद्दां कहिंदे जी मतलब भी मेहनत करदे आ इह लोग कमेटी वाले। फरीदकोट से नरेश सेठी की रिपोर्ट। गुरुद्वारा रोहटा साहब में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की महान शहादत को समर्पित 3 दिवसीय धार्मिक समागम आयोजित किया गया है। आखिरी दिन आज 41 अखंड पाठ के भोग डाले गए और एक मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया गया। इस संबंधी गुरुद्वारा साहब के प्रधान अमरीत सिंह और संगतों ने कहा कि हर साल साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की महान शहादत को मनाते हुए शहीदी जोड़ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं को अमृत छकाया जाता है। इस अवसर पर मेडिकल कैंप लगाकर मुफ्त दवाइयां भी दी गई। तकरीबन 20-25 बंदे ने प्राणियां ने अमृत की दात भी ली है, अमृत संचार होया ते ढाडी 12 राही सिख पंथ का इतिहास ढाडी सिंह ने सुनाया, कविशरिया का जत्था भी आया, उन्होंने भी पंथ के इतिहास में गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी समर्पित सारा इतिहास सुनाया और कथावाचक ने भी अपने अपने
गुरबाणी के नाल संगत को जोड़िया। इस इलाके की संगत हर साल इतने बहुत हम हमा के गुरसिखी के प्रचार लिए इकट्ठिया होकर इस समागम को बहुत ही अच्छे तरीके नाल बड़े दिलों तलों मनो मना। नाभा से राजेश बजाज की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत निवास पर लगाया धरना, प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। आज मंत्री धर्मसोत खुद धरने पर पहुंच गए और वर्कर यूनियन नेत्रियों से बातचीत के बाद उनको भरोसा दिया कि आंगनवाड़ी सेंटर बंद नहीं किए जाएंगे, वर्करों का रोजगार नहीं छीना जाएगा। लेकिन आंगनवाड़ी वर्करों ने मंत्री धर्मसोत से बात को सिरे से निकालते हुए कहा कि जब तक सीएम से उनकी मीटिंग नहीं कराई जाती तब तक अगले 30 नवंबर तक राज्य धरने लगातार जारी रहेंगे। वर्करों ने अपनी मांगों संबंधी मांग पत्र मंत्री धर्मसोत को सौंप दिया है। आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन नेत्रियों ने कहा कि मंत्री धर्मसोत ने सेंटर बंद नहीं करने और सीएम से मीटिंग का भरोसा दिया है, लेकिन पहले भी इस तरह का भरोसा देकर मीटिंग तय कर लिया था लेकिन फिर से कैंसिल कर दी गई। जब तक सीएम से मीटिंग नहीं हो जाती तय रणनीति तहत अगले 30 नवंबर तक राज्य भर में धरने इसी तरह जारी रहेंगे। मैं विश्वास दवाया भी थोड़ा कोई नुकसान नहीं होएगा, जिवे पहला पढ़ाते आंगनवाड़ी बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। वो जिहड़ी सरकार की प्री प्राइमरी स्कूल की नीति वक्री है वक्री, इन्हों कोई नहीं हटाएगा। वह मैं जल्दी अज ही जाके मुख्यमंत्री नाल गल करदा, मुख्यमंत्री साहब नाल गल करके तुहानूं साहब मीटिंग का टाइम नहीं दिंदे। सानू कैबिनेट मंत्री जी अपने ते तां विश्वास हो गया जी, चल भी सानू दवाउणगे, बाकी जे वह मन्नणगे तां ना जिहड़े साडे फ्री स्कूल दे सिक्ख्या दे बच्चे ने साडे वह वापस करन। मेन जिहड़ी मंग आ साडी इही आ वी गए ने गल करांगे असीं जाके, जिन्नी देर साडी इह गल मन्नी नहीं जांदी उन्नी देर साडा एजीटेशन इसे तरह चालू रहूगा। तो मंत्री साहब सानू मीटिंग का टाइम देणगे, फिर साडी यूनियन सोच विचार करूगी वी की करना जी, वी कीवें गल करके। सानू यह नहीं पता भी इलाके करके लै गए भी असीं इलाके दे विच आए, 2019 दे विच असीं फिर चोणां लैणियां ने वोटां च लैणियां ने, पर इन्हां दे राहीं सानू दो वारी टाइम मिलिया मौके ते आके साडी जिहड़ी मीटिंग है मौके ते आके पोस्टपोन कीती जांदी है, जिहदे नाल के अज इह कह के गए ने सानू फिर मीटिंग दवाउणी है। सानू उन्नी देर तक इन्हां ते कोई विश्वास नहीं, जदों तक साडी मीटिंग करा के साडी मंगां दा कोई ठोस मसला हल नहीं हुंदा उन्नी देर तक असीं इन्हां ते कोई यकीन नहीं। नाभा से राजेश बजाज की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। जय जिनेंद्र। दुक्कुंड, चिया सीड्स और किनुआ पौष्टिक तत्वों से भरपूर आपके व आपके परिवार की संपूर्ण सेहत और तंदुरुस्ती के लिए आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध, या अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9814034561, टोल फ्री नंबर 1800843461। दुक्कुंड इंडिया, लाइफ सिंप्लीफाइड। जब इंसान अपने चारों तरफ दर्द देखकर बिलख उठता है तब वह बढ़ता है दर्दियों के आंसू पोंछने। आचार्य आत्माराम जी के आशीर्वाद और उपाध्याय श्रवण फूलचंद जी महाराज जी की प्रेरणा से सुशील कुमार जी ने 13 अप्रैल 1999 बैसाखी के शुभ दिन दो डॉक्टरों के साथ एक छोटी डिस्पेंसरी शुरू की थी। हाथों से हाथ मिलते गए जिससे भर्ती दान राशि और समय के साथ छोटी डिस्पेंसरी ने अस्पताल का रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज 40 डॉक्टर और 110 कर्मचारियों की टीम मरीजों की सेवा में लगी हुई है। अस्पताल में फ्री आंखों का चेकअप, 24 घंटे इमरजेंसी, 24 घंटे एम्बुलेंस, 24 घंटे पैथोलॉजी सहित कम कीमतों पर सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप भी 501, 5001 या अपनी इच्छा अनुसार दान राशि देकर गरीब मरीजों की मदद कर सकते हैं। ओमेक्स रॉयल रेजिडेंसी पखोवाल रोड लुधियाना में जल्द बनने जा रहा है ओमेक्स महावीर टावर्स। ओमेक्स महावीर टावर्स जिसमें 2650 स्क्वायर फीट के 4 BHK फ्लैट्स 5 साल के आकर्षक ऑफर के साथ उपलब्ध हैं।
ओमेक्स कंपनी की तरफ से जैन कम्युनिटी के लिए 18,000 स्क्वायर फीट जगह में बने जैन स्थानक और जैन कम्युनिटी हॉल दिया जा रहा है। आज ही बुक करवाएं, ऑफर सीमित समय के लिए। श्री पद्मावती तरुणी मंडल सुंदर नगर द्वारा श्री पद्मावती सदार्मिक उत्सव दिनांक 17 दिसंबर दिन रविवार को लुधियाना के लक्ष्मी पैलेस में सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक मनाया जा रहा है। उत्सव के मुख्य आकर्षण केंद्र टिकट मात्र ₹30, टिकट एडवांस में खरीदने पर एक सरप्राइज गिफ्ट सहित खूबसूरत सभ्याचारक कार्यक्रम और एक मिनट के खेलों के साथ अन्य कई लक्की गिफ्ट भी होंगे। मुख्य अध्यक्षता एवं गौरव में ध्वजारोहण लाभार्थी परिवार श्री रोशन लाल शीलवंती जैन के वंशज श्री प्रेमचंद त्रिशलावंती जैन, मंगलमय माल्यार्पण लाभार्थी परिवार श्रीमती कमलावती जैन पत्नी लाहौरी राम जैन, पवित्र पावन ज्योति प्रज्वलन लाभार्थी परिवार श्री फग्गुमल श्री कश्मीरी लाल, प्रतिभाशाली पुरस्कार वितरण लाभार्थी परिवार रमेश जैन श्री मेहर चंद। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर हौसलों और जज्बों की वो इमारत जिसकी नींव विश्वास पर टिकी है, लुधियाना का बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल जहां लगे अति आधुनिक इक्विपमेंट्स, देश के बेहतरीन फेमस डॉक्टर्स की टीम पेशेंट्स को स्पेशल हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए कमिटेड है। अफोर्डेबल प्राइस में एक हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट लुधियाना के लोगों के लिए समर्पित है, जिसके पीछे का मकसद लुधियाना शहर में अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज हर किसी को मिले। डेंटल, आईज, कार्डियोलॉजी, ऑर्थो, गायनी, पीडियाट्रिक, साइकोलॉजी, साइकेट्री, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स हैं और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी, सिटी स्कैन और कई आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर में सभी संभव प्रयास द्वारा पेशेंट्स की देखभाल की जाती है और यही क्वालिटी विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर को जीवन रक्षक का दर्जा दिलाती है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइन्स, लुधियाना।